Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Welcome to my YouTube channel. आज हमें भाविन भाई के साथ, उनके पास कुछ अभी नई एसेसरीज अवेलेबल है और इनका मेन फोकस अभी साइलेंट एयर पंप एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एयर पंप एंड एसेसरीज पे है. भाविन भाई, आपके पास अभी कौन कौन से एयर पंप्स अवेलेबल है? अभी फिलहाल हमारे पास डॉल्फिन का एयर पंप जो नया है, जो साइलेंट है, डॉल्फिन का एक मॉडल नया जो हमारे पास आया है अभी फिलहाल. दूसरा एक आरएस का, दो वेरिएशन, अलग अलग वेरिएंट के पंप है. उसके प्रेशर ज़्यादा है और नॉर्मल पंप पंप की कंपेरेटिवली ज़्यादा साइलेंट पंप है ये दोनों. दूसरे हमारे पास अभी जिलोन की प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो चुकी है, तो जिलोन के अंदर हम इंटरनल फिल्टर जो आते हैं उसमें छोटे बड़े साइज़ के वेरिएंट अभी अवेलेबल है. दूसरा के प्लांटेशन के लिए सोबो का इंटरनल फिल्टर हमने अभी ज़्यादातर छोटे टैंक के लिए आया है हमारे पास, जो एक वेरिएंट है अच्छा वाला. तो ये नई एसेसरीज आई है अभी F4 एक्वेरियम के अंदर और उसका रिजल्ट 100% प्योर जो आपको जो चाहिए वो मिलेगा इसके अंदर. ज़्यादा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है पंप का जो रिज़ल्ट है, सबकी कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा वाला रिज़ल्ट आया है इस बार. कस्टमर रिव्यू भी ज़्यादा है. इसके लिए आप बाय करना चाहते हो तो ये सारी वेरिएंट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी वीडियो पे, आप जो देख रहे हो वो सबसे बेस्ट है अभी छोटे टैंक के लिए. तो छोटे टैंक में से इसमें से आप कौन सा प्रीफर करोगे? अगर आपके पास 2 फीट तक का टैंक है तो आप ये टैंक ये फिल्टर डाल सकते हो. 2 फीट से कम का साइज़ है, 1.5 फीट है, 1 फीट है, 1.25 फीट है, तो ये छोटा वेरियंट डाल सकते हो. प्लांटेशन के लिए आपका 1.5 फीट के लिए फिल्टर अच्छा रहेगा. अगर आपके पास 2 वे या आपका जो आप एयर पंप यूज़ करते हो उसकी कंपेरेटिवली अभी जो आरएस के दोनों पंप आए उसका प्रेशर सेम रहेगा आपको, तो आपको अगर 2 कनेक्शन एक में से करके भी यूज़ करना है तो 2 फीट 3 फीट 4 फीट तक ये एयर पंप सारे कवर हो जाएगा, आपका एक्वेरियम कवर कर पाएगी. और सबसे बेस्ट में उसमें डॉल्फिन है, उसमें कम के थोड़ा कम में जाओगे तो ए वाला, इनसे ज़्यादा प्रेशर वाला ये वाला पंप है. पर चलेंगे ये तीनों? हाँ, तीनों अच्छे चलेंगे. इसके रिजल्ट्स बेट्स है? हाँ, रिजल्ट. और फिल्टर विलर पंप्स में अभी जिलोंग में क्या है? जिलोंग में नया आप देख पाओगे कि कंपनी ने एक अच्छा सा एक वेरिएंट निकाला है जो बाकी कंपेरेटिवली दूसरे फिल्टर की कंपेरिजन में आप उसका कैपेसिटी कंपनी ने बढ़ा दिया है. दूसरा के लुक थोड़ा सा डिफरेंट और न्यू लुक दिया है कंपनी ने, कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाया है. ये उसका ये छोटा सा फिल्टर है लेकिन उसका पावर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, क्लीनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. कॉटन अंदर का जो रेक्सिन दिया हुआ है कंपनी ने वो भी बेस्ट है. दूसरा चीज़ के काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पंप के आगे की जगह पे यहाँ पे अपना जो फिश का पोटी वगैरह गंदगी हो जाता है कवरअप, तो प्रॉपर ये फिल्टर का यूज़ नहीं हो पा रहा था लास्ट टाइम सब काफ़ी. तो इस फिल्टर के और मोटर पे ज़्यादातर प्रेशर आता था तो मोटर जलने का वो चांस ज़्यादा रहता है. इस बार कंपनी ने पूरा अच्छा अंदर आप देख सकते हो अच्छा सा बड़ा सा छेद दिया हुआ है कॉटन के अंदर ही, तो मोटर तक पानी इजीली पहुंच पाता है और ज़्यादातर प्रेशर नहीं बनता है मोटर पे, ज़्यादातर पानी का बजट नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है. तो ये प्रेशर कम. और दूसरा चीज़ कंपनी ने एक दूसरा दिया, अगर आपके पास छोटा सा टॉप फिल्टर बनाना भी चाहोगे तो कंपनी ने 2 आउटलेट दिए हुए हैं. इसका आप देखो है कि यहाँ से भी प्रेशर निकलेगा, इधर से आप टॉप फिल्टर का बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, वरना उसकी कैप दी हुई है कंपनी ने, यहाँ पे बंद कर सकते हो नोजल का. तो ये सारे वेरिएंट के अंदर कंपनी ने ये नया मॉडल के अंदर जो जिलोन के आया है उसमें कंपनी ने दिया हुआ है, तो आपका उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. दूसरा को उसका छोटा पंप का भी कैपेसिटी आप देखने जाओगे तो 800 लीटर पर आवर्स का कैपेसिटी दिया हुआ है. सो छोटे कंपनी यानी सोबो आरएस से थोड़ा सा ये हेवी दिया हुआ है कंपनी ने, तो बेटर है कि आपके पास छोटा टैंक हो तो ये प्रीफर करो. और मेरी तरफ से तो ये 100% बेस्ट है, रिजल्ट उसका सबसे अच्छा है. ऐसे बड़े टैंक इसके जिलों के उस इनसे भी डब अच्छे साइज़ के वाले फिल्टर हमारे पास अभी आ गए हैं. अभी उसका पैकिंग ओपन किया नहीं हमने ज़्यादातर, उसके लिए हम दूसरा वीडियो पूरा बनाएंगे सारे मॉडल के साथ. तो आप कलर कॉम्बिनेशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाओगे तो जिलोन अभी अच्छा है, मार्केट में ग्रो भी अच्छा है, तो कंपनी चला रही है जो बेस्ट है, आप बाय कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ओके. और अभी आपके पास कुछ नई एसेसरीज भी आई है जो दिखने में एकदम नेचुरल्स एंड लाइट्स में बहुत अच्छे दिखते हैं?
प्लांट्स में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आई है हमारे पास प्लांट पे, पूरा हम अलग से एक पूरा आपको डेकोरेशन के अच्छे जितने प्लांट्स आए हैं हमारे पास उसका पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपको हमारी साइट पर से देख सकते हो। दूसरा चीज़, अभी तो हमने सिर्फ एक दो तीन पीस ही दिखाए हैं आपको, दिखा पाए हैं कि इतने कलर वेरियंट वाले, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर आए इस बार प्लांट के अंदर। तो डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए तो उसका सारा हम पूरा आपको एक वीडियो बना के देंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी वैरायटी। और हमारे पास हर बार डेकोरेशन के आइटम तो आती रहती है, चीज जाती रहती है, उसमें तो हर बार आपको अलग अलग वैरायटी मिलती रहती है। मेन चीज़ हमारा जो फिल्ट्रेशन मीडिया और वो सब इजीली आपका टैंक क्लीन होगा तो ही ये का लुक आएगा, इसलिए ज़्यादातर फोकस अभी हम यानी फिल्टर मीडिया पे करो तो बेटर है। पर हम लोग सारी एसेसरीज का पूरा अलग से वीडियो दिखाएंगे, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहोगे तो वो भी एक कुरियर थ्रू आपके पास पहुँच जाएगा। और आपके पास अभी न्यू अराइव बेटा भी है जिसमें ब्लैक वाइट सभी कलर है। हाँ, काफ़ी सारी बेटाज आई है, मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एक लुक दिखा देता हूँ उसका क्या चीज है हमारे पास अभी। उसका प्रॉपर हमने सेटअप बनाया नहीं है फिलहाल तो, पर हम आपको अभी दिखा देते हैं कौन सा बेटा है हमारे पास। उसका वीडियो हम छोटे छोटे एक मोमेंट वाले वीडियो भेज देंगे हमको, आप एंड तक वीडियो पूरा देखिए, उसके अंदर जो फिलहाल अवेलेबल बीटास है वो आपको सारी दिखाई देगी, इसके अंदर कौन से कलर वेरिएंट अभी अवेलेबल है हमारे पास। जो एक ब्लैक वाला था वो कहाँ पर? ब्लैक वाला फिलहाल तो सेल हुआ है, दूसरा हम आपको जो दूसरा पैकिंग में अभी पड़ा है उसका अपनी डाला नहीं अभी बॉक्स पे, वो अभी आपको हम दिखा देते हैं, वीडियो को भेज देते हैं, साथ में लिंक कर देना आप, बता देंगे ये सारे अवेलेबल है अभी फिलहाल बेटा। वाइट ब्लैक जो ज़्यादातर नहीं आते, रेयरली बेटा रहता है जो यहाँ पे, वो फिलहाल अवेलेबल है, क्वान्टिटी में है तो आप बाय कर सकते हो। ये सारे बीटा कौन से? फुल मून है, हाफ मून है, कौन सारे? सारे के सारे हाफ मून है सर। हाफ मून के मेल है, सारे के सारे हाफ मून मेल है। इसकी लाइफ ज्यादा रहती है या रखने पे डिपेंड्स? नहीं, रखने पे ही डिपेंड रहता है, कोई भी फिश हो लाइफ रखने पे ही डिपेंड रहता है। हाँ, आप केयर कितना कर पा रहे हो उस पे डिपेंड। हाँ, बीटा का केयर इतना नहीं रहता है जनरली दूसरी फिश की, कंपेरेटिवली लो मेंटेनेंस फिश में मानी जाती है बीटा, ऑफिस डेस्क के लिए सबसे बेस्ट प्रेफरेबल फिश है ये वाली। और हाँ, थोड़ा सा इशू रहता है उसका फूडिंग पे, अगर आप कॉमन फूड डालते हो बीटा का तो बीटा का लाइफ थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है फूड उसके लिए, तो बिट्टा का स्पेशल फूड डालो तो बिट्टा का लाइफ प्रॉपर रहेगा। टाइम टू टाइम उसका पानी चेंज करना, इतना नॉर्मल फिश की कंपेरेटिवली कम का एक छोटा माइक्रोफिट्स आता है वो बेस्ट है सब। उसके साथ आप उसको ब्लडवर्म्स या टेट्राबाइट्स, टायो का टेट्राबाइट्स खिला सकते हो, वो बिट्टा के लिए प्रेफरेबल फूड है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।